हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीबीपी साइंस। आज के वीडियो के हाइलाइट्स हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो प्लांट डिजीज, इट्स कॉजल ऑर्गेनिज्म, क्लासिफिकेशन आयरिस फेमिन, सिम्टम्स एंड साइन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ डिजीज साइकिल ऑफ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज इज कॉज्ड बाई पैथोजन फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस एंड द होस्ट ऑफ दिस पैथोजन इज पोटैटो एंड टोमेटो। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज्ड बाई फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस बिलोंग्स टू द फाइलम उमाइकोटा, ऑर्डर पन्नोस्पोरेल्स, फैमिली पन्नोस्पोरेसी, जेनरा फाइटोप्थोरा एंड स्पीसीज फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस। नाउ वी विल स्टार्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आयरिस फेमिन, द डिजीज दैट कॉज द आयरिस पोटैटो फेमिन। यूरोप के आयरलैंड में लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज की वजह से आयरिस फेमिन हुई थी। फेमिन मीन अकाल। लेट ब्लाइट सिग्निफाइज द ऑफिशियल बिगनिंग ऑफ द साइंस ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। इसी डिजीज की वजह से प्लांट पैथोलॉजी की शुरुआत हुई थी। ऑल्सो नोन एज आयरिस पोटैटो फेमिन, इसे आयरिस पोटैटो फेमिन के नाम से भी जाना जाता है। 1845 की बात है। लोकेशन वाज इन आयरलैंड। पोटैटो वाज ए स्टेपल क्रॉप इन आयरलैंड बाई द 18th century। उस टाइम स्टेपल क्रॉप था पोटैटो और लोग अपना पेट आलू से ही भरते हैं। दिस इज़ द पिक वेयर एक महिला जमीन से आलू खोद रही है अपने बच्चों का पेट भरने के लिए। यहाँ पर लोगों को खाने को कुछ नहीं मिल रहा है, तो देखो उनके चेहरे कैसे हो रहे हैं। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज की वजह से आलू अंदर से ऐसा हो जाता है। सिम्टम्स एंड साइन ऑफ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज्ड बाय फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस। ब्लैकिश ब्राउन लीजन्स ऑन लीव्स, दिस इज़ द फर्स्ट सिम्टम ऑफ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लीजन का मतलब होता है जैसे घाव हो जाना, किसी पैथोजन की इंजरी की वजह से वहाँ पर घाव हो जाना। दिस सिम्टम इज लीजन ऑन पोटैटो लीफ विथ वाइट स्पोरुलेशन। दिस इज़ द पोटैटो लीफ। यहाँ पर ये वाइट वाइट कलर के पैचेस दिख रहे हैं, दिस ये लीजन है, यानी कि पूरा इंजरी टाइप हो गई है। ये जो वाइट वाइट एरिया दिख रहा है ये बिकॉज ऑफ स्पोरुलेशन की वजह से है। स्पोरुलेशन मीन जो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस का फंगस है उसने यहाँ पर स्पोर प्रोड्यूस किए हैं, जू स्पोर एंड स्पोरेंजिया। वट हैपन्स इन ह्यूमिड कंडीशंस, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस प्रोड्यूसेस स्पोरेंजिया एंड स्पोरेंजियोफोर्स ऑन द सर्फेस ऑफ इन्फेक्टेड टिश्यू एंड रिजल्टिंग वाइट स्पोरुलेशन कैन बी सीन ऑन सर्फेस ऑफ लीव्स। एज मैनी लीजन्स एक्यूमुलेट, जब बहुत सारे ऐसे लीजन बन जाते हैं, द एंटायर प्लांट कैन बी डिस्ट्रॉयड इन ए मैटर ऑफ डेज। और कुछ ही दिनों में पूरा का पूरा प्लांट इस लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। दिस इज़ द सिम्टम ऑन पोटैटो ट्यूबर। हेयर कलर ऑफ पोटैटो इज लाइक कॉपर ब्राउन, रेड इज पर्पलिस इन कलर। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज की वजह से आलू का कलर कुछ इस तरीके का हो जाता है, पर्पलिस ब्लैक ब्राउनिश कलर। पूरा आलू अंदर से डैमेज हो जाता है। जब इस आलू को अंदर से कट करते हैं तो ये कुछ इस टाइप का होता है, जो कि खाने के लायक नहीं होता, विच इज़ नॉट ईटेबल। डिजीज साइकिल ऑफ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो को स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म समझते हैं। व्हाट इज हाइफा, व्हाट इज माइसीलियम, व्हाट इज स्पोरेंजियम एंड व्हाट इज स्पोरेंजियोफोर। सपोज ये कोई भी फंगस का स्पोर है, ओके, दैट इज़ द फंगस स्पोर। स्पोर क्या होता है, एक फंगस का बीज है जिससे नया फंगस बनना है, फंगाई बनना है। जब ये जर्म ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, इस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन कहते हैं, इसका जर्मिनेशन होता है, तो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं हाइफा, HYPHA, हाइफा। ये हाइफा बढ़ता ही चला जाता है,
बढ़ता ही चला जाता है और फैलता ही चला जाता है, बहुत सारे इसकी ब्रांचेस निकल जाती हैं। इन ए ग्रुप ऑफ हाइफा इज नोन एज माइसीलियम। हाइफा के ग्रुप को माइसीलियम कहते हैं। जैसे ये माइसीलियम मैच्योर होता है तो ये इस तरीके का मैच्योर होता है तो इस तरीके के कुछ कहते सैक लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, इसके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। इन्हीं सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। ये हमारा स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम। जिस हाइफा में और माइसीलियम में स्पोरेंजियम बनते हैं उस हाइफा का नाम होता है स्पोरेंजियोफोर। क्लियर? नाउ वी स्टार्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ डिजीज साइकिल ऑफ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। नाउ वी विल स्टडी एक्सप्लेनेशन ऑफ डिजीज साइकिल ऑफ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। दिस इज द डायग्राम ऑफ डिजीज साइकिल ऑफ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो मेड बाई स्टूडेंट्स ऑफ RBU इन द ब्लैक बोर्ड। दिस इज द डायग्राम। The same diagram is here. Now we will understand in this diagram. Disease cycle of late blight of potato and tomato caused by Phytophthora infestans. This is potato plant, infected plant. इन्फेक्टेड प्लांट में इस पोटैटो प्लांट को Phytophthora infestans ने इन्फेक्ट कर दिया, यानी कि ये ट्यूबर में अंदर चला गया है और लीफ में भी अंदर चला गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो ब्राउन ब्राउन पोर्शन बना है ये इसके लीजन बना है। ओके, इसी एक लीफ का क्रॉस सेक्शन पार्ट, माइक्रोस्कोपिक पार्ट यहाँ पर दिखाया गया है। दिस इज द अपर सरफेस ऑफ द लीफ। ये यहाँ पर लोअर सरफेस होगी लीफ की। ये लीफ के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, इसके सेल्स हैं। ये जो ब्राउन पोर्शन दिख रहा है ये Phytophthora infestans का माइसीलियम और हाइफा है। हाइफा लीफ के अंदर ग्रो होता है, जैसे कि यहाँ पर ग्रो हो रहा है। जैसे ही ये मैच्योर होता है, ये ग्रो हो रहा है, ग्रो हो रहा है, जब हाइफा और माइसीलियम मैच्योर होते हैं, मैच्योर हो रहे हैं, फिर ये कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर बनाते हैं, लाइक दिस वन, लाइक दिस वन। दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम वो स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर स्पोर्स बॉर्न होते हैं। जिस हाइफा और माइसीलियम में स्पोरेंजियम प्रोड्यूस होंगे उस हाइफा और माइसीलियम को हम कहते हैं स्पोरेंजियोफोर। ये लीफ की स्टोमेटा से या लीफ को रप्चर करके ऐसे माइसीलियम बाहर निकल आता है। जो यहाँ पर स्पोरेंजियम बना है दैट इज द स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम अगर इन्वायरमेंट में कंडीशंस ड्राई हैं और वार्म टेम्परेचर है, ड्राई कंडीशन में, ज़्यादा हॉट कंडीशन में, स्पोरेंजियम डायरेक्ट जर्मिनेट कर जाता है और जर्म ट्यूब बनाता है और न्यू लीफ को इन्फेक्ट करता है। इसने ये स्पोरेंजियम है, इसने जर्मिनेशन किया और ये लीफ के अंदर इंटर कर गया और हाइफा और माइसीलियम अंदर बढ़ रहे हैं। क्लियर? अगर यही स्पोरेंजियम इन ह्यूमिड कंडीशन, जब एनवायरनमेंट की कंडीशंस ह्यूमिड होंगी या उसमें वेट कंडीशंस होगी, मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा, इसी स्पोरेंजियम में, इस स्पोरेंजियम के अंदर कुछ स्पोर्स बनते हैं। दैट स्पोर इज नोन एज जू स्पोर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ जू स्पोर। ये तब बनते हैं जब वेट कंडीशन होती है। डायरेक्ट जर्मेटिव कब बनता है? जब ड्राई कंडीशन होती है। ये बाई फ्लैजिलेट होते हैं, ये दो फ्लैजिला इसमें लिख रहे हैं, और ये जू स्पोर, ये फिर जू स्पोर जर्मिनेट करते हैं और न्यू पोटैटो की लीफ को इन्फेक्ट करते हैं और ऐसे अंदर चले जाते हैं, और ये फिर हमारी यहाँ पर इन्फेक्टेड लीफ है। ओके, तो बच्चों इतनी कहानी समझ में आ गई होगी यहाँ से यहाँ तक का। उसके बाद क्या होता है, ये हमारा पोटैटो का प्लांट है, ये इन्फेक्टेड ट्यूबर है। इन्फेक्टेड ट्यूबर यानी कि इन्फेक्टेड आलू है, पोटैटो है, इन्फेक्टेड ट्यूबर जिसको Phytophthora infestans से इन्फेक्ट कर रखा है। एक सिचुएशन ये भी हो सकती है, जो हमारा इन्फेक्टेड ट्यूबर है यहाँ से हाइफा और माइसीलियम बाहर आता है और फिर ये स्पोरेंजियम बनाते हैं। दिस इज द स्पोरेंजियम। फिर आगे की कहानी ऐसी होती है, ये स्पोरेंजियम है, अगर ड्राई कंडीशन होगी तो डायरेक्ट जर्म ट्यूब बनेगा और न्यू लीफ में इन्फेक्ट कर देगा। अगर मॉइस्ट कंडीशन हमारी इन्वायरमेंट में मॉइस्ट होंगी
तो स्पोरेंजियम से जू स्पोर्स रिलीज होते हैं और ये जू स्पोर्स फिर जर्मिनेट करके न्यू पोटैटो की लीफ को इन्फेक्ट करते हैं। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, ये हमारा इन्फेक्टेड ट्यूबर है, ये हमारा इन्फेक्टेड ट्यूबर है, यहाँ पर तो माइसिलियम इन आलू से ही बाहर आ गया, यहाँ पर हमारा आलू का जर्मिनेशन हो जाता है, एक नया पौधा बन जाता है, छोटा सा सीडलिंग बन जाता है, सीडलिंग पोटैटो सीडलिंग। इस सीडलिंग में जो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस का माइसिलियम है वो इसको इन्फेक्ट कर देता है। ओके, इन्फेक्ट करने के बाद ये हमारा स्टेम का एरिया, लीफ का एरिया है, यहाँ से फिर माइसिलियम बाहर निकलता है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस ये मैच्योर होता है तो यहाँ ये जो यहाँ पर सैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इनको हम स्पोरेंजियम कहते हैं और इसको हम स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। स्पोरेंजियोफोर वो स्ट्रक्चर है जिसमें स्पोरेंजियम कहते हैं, ये स्पोरेंजियम है, दिस इज स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम इज दैट स्ट्रक्चर इन विच स्पोर्स आर बॉर्न। फिर आगे की स्टोरी वैसे ही चलती है, स्पोरेंजियम है ठीक है ना, एंड इन ड्राई कंडीशन जर्म ट्यूब निकलेगा, इन्फेक्ट होगा, इन मॉइस्ट कंडीशन जू स्पोर्स रिलीज होते हैं और न्यू लीफ को इन्फेक्ट करते हैं। तो बच्चों ये बात समझ आ गई होगी कि यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ लेट ब्लाइटो पोटैटो है, और जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, दिस इज़ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्सट्रीमली रेयर इन नेचर, ये नेचर में बहुत रेयर होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमें ये फाइटोप्थोर, ये तो पोटैटो प्लांट्स की लीव्स अंदर की सेल्स हैं जो ग्रीन ग्रीन कलर की दिख रही हैं, ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है हमें, ये वाला ठीक है ना, ये वाला स्ट्रक्चर, ये दो अलग अलग मेटिंग टाइप के हाइफा हैं फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस के, एक इसमें से प्लस टाइप का मान लो, एक को माइनस टाइप का मान लो, यानी कि एक मेल है एक फीमेल है। सपोज ये मेल मेटिंग टाइप ऑफ हाइफा ऑफ फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस है, जब ये मैच्योर होता है तो एक तो एंथ्रीडियम बनाता है, एंथ्रीडियम यानी कि मेल ऑर्गन, एंड ओगोनियम इज फीमेल ऑर्गन। ओगोनियम में कैरियोगेमी और मियोसिस होती है, इसका न्यूक्लियस इसमें ट्रांसफ़र हो जाता है, ओगोनियम इज फीमेल ऑर्गन एंड एंथ्रीडियम इज मेल ऑर्गन। ओके, यहाँ पर देखते हैं मियोसिस होती है, उसके बाद ये एंथ्रीडियम है, ये ओगोनियम है, यहाँ पर कैरियोगेमी हो जाती है, इसका न्यूक्लियस इसमें ट्रांसफ़र हो जाता है, आफ्टर सम टाइम दे कन्वर्ट इंटू हार्ड स्ट्रक्चर, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज ऊ स्पोर, ये ऊ स्पोर है, एंड ऊ स्पोर इज द सेक्सुअल स्पोर ऑफ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। जब इन्वायरमेंट की कंडीशन फेवरेबल होती हैं तो ये ऊ स्पोर जर्मिनेट करता है, देखिए जर्मिनेशन हो रहा है, और जर्मिनेशन के बाद ये सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, दैट सैक लाइक स्ट्रक्चर इज स्पोरेंजियम। फिर आगे की कहानी सेम चलती है, स्पोरेंजियम बन गया, स्पोरेंजियम यहाँ पर बन गया, स्पोरेंजियम अगर ड्राई कंडीशन है तो डायरेक्ट जर्म ट्यूब निकलेगी और न्यू पोटैटो की लीफ को इन्फेक्ट कर देगा। अगर इन्वायरमेंट में वेट कंडीशन है, यानी कि मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है, तो इसके अंदर कुछ स्पोर्स बॉर्न होते हैं, इन स्पोर्स को हम जू स्पोर कहते हैं, और जू स्पोर जर्मिनेट होकर फिर न्यू पोटैटो की प्लांट की लीफ को इन्फेक्ट करते हैं। सो दिस इज़ द डिजीज साइकिल ऑफ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज्ड बाय फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस। तो बच्चों ये समझ में आ गया होगा, वेरी सिंपल, रीड इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि स्पोरेंजियम बनते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, आर प्रोड्यूस्ड ऑन स्पोरेंजियोफोर, ठीक है ना। यहाँ पर एक बार देखते हैं, जैसे ये फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस का माइसिलियम है, दिस इज द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस फंगस, यहाँ पर ये हाइफा और माइसिलियम है, ये मैच्योर होता है तो देखो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ये हाइफा इधर को बढ़ा, इसने सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाया, इसने सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाया, ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम स्पोरेंजियम कहते हैं, स्पोरेंजियम इज ए स्ट्रक्चर इन विच स्पोर्स आर बॉर्न। अभी हमने ऊपर देखा था इसी के अंदर तो जू स्पोर बनने थे, और ये जो हाइफा और माइसिलियम है जिसके ऊपर सब ये स्पोरेंजियम प्रोड्यूस होते हैं, इसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर। तो स्पोरेंजियोफोर एंड स्पोरेंजियम क्लियर हो गया होगा। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इन कूल एंड वेट कंडीशन जू स्पोर्स
विल फॉर्म एंड इमर्ज फ्रॉम स्पोरेंजिया, वो भी ऊपर देखा था। इन वार्मर कंडीशंस, जब थोड़ा गर्मी की सिचुएशन होती है, तो स्पोरेंजिया में फंक्शन एज ए सिंगल स्पोर एंड जर्मिनेट डायरेक्टली, जर्मिनेट करता है और न्यू पोटेटो प्लांट की लीफ को इन्फेक्ट कर देता है। इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्यूजन ऑफ द टू न्यूक्लियाई इन द ओगोनियम, ए थिक वॉल डिप्लॉयड स्पोरेज फॉर्म, उसका नाम क्या था, ऊ स्पोर। तो आई थिंक बच्चों ये क्लियर हो गया होगा। अब जो हमने ऊपर लिखा था डायग्राम में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वेरी रेयर इन नेचर इन केस ऑफ लेट ब्लाइटेड पोटेटो, ये मैक्सिको में रिपोर्टेड है, मैक्सिको में सेक्सुअल स्पोर मिला था, नीदरलैंड्स में ये पाया गया था, एंड सम पार्ट्स ऑफ स्कैंडिनेविया। इन कंट्री में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ लेट ब्लाइटेड पोटेटो डिजीज रिपोर्टेड है। Thank you.